गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स योर गर्ल रेशा हियर। सो गाइस टुडे वील टॉक अबाउट सम गोवर्धन पूजा। सो चलो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ गोवर्धन पूजा के बारे में, जहाँ पे मेरे को तो भाई गोवर्धन पूजा सबसे मस्त रखती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं पूछड़ी के लोटा की जय, तो मतलब बहुत ज़ोर से धमाकेदार होता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसको बोलने में। हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारे घर पे तो यूजुअली। तो आज मैं बस आपको दिवाली के 5 दिनों के बारे में बताऊँगी। तो गाइस दिवाली में हमारे टोटल 5 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस और हमारा भाई दूज और गोवर्धन पूजा होती है। तो मेरे को गोवर्धन पूजा सबसे मस्त लगता है और दिवाली तो भाई मतलब भगवान ने बिल्कुल स्वर्ग से आ गए हैं हमारे पास और हमें फटाके दिला दिए ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ फटाके से मतलब होता है और खाने पीने से बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं होता। एंड पर हम तो दिवाली की पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज मैं मेरी नानी के घर पर हूँ। लाइक आप सबको तो पता है कि मैं दिवाली इस बार मेरी नानी के घर पर बना रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा सारे गली मोहल्ले के लोग आ गए और रात में और मंदिर में जस्ट मंदिर के सामने ही बैठ के, आप देख सकते हो भगवान जी दिख रहे हैं, और जस्ट मंदिर के सामने बैठ के सारी सब्जियां और चावल कढ़ी बनाने लग गए। तो मैंने मेरे पापा से पूछा डैडी ये क्या है, डैडी ने बताई अनकुट है, चलो हम भी कुछ करा लेते हैं। फिर डैडी भी बैठ गए और वहाँ पर डैडी ने सब्जियाँ काटी, मेरे मामा ने भी काटी और बाजरा भी चलाया और बहुत सारी चीज़ें की। वो मेरे को तो बड़ी मस्त लग रही थी वहाँ की कड़ी, बिल्कुल मुंह में पानी आ गया। और गाइस यहाँ पे सारे कास्ट के लोग आए थे, मुस्लिम, हिंदू एंड सारे कास्ट के लोग आए थे और सब ने मिलजुल कर काम कराया। कोई लकड़ी जला रहा है, तो कोई बाजरा चला रहा है, कोई कड़ी चला रहा है और तो कोई सब्जी काट रहे हैं। 6-7 लोग तो सब्जी काटने लग रहे थे। बड़ा मज़ा आया गाइस इन सबको देख के। और भगवान के जस्ट सामने बन रहा है तो मतलब भगवान का तो आशीर्वाद पक्का है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। और मुझे इस चीज़ को देख के ये भी समझ आया कि हमें हमेशा हर किसी के संग काम करना चाहिए, हमें कम्युनिटी में काम करना चाहिए, उससे हमारी ताकत और ज़्यादा हो जाती है। लाइक इसमें कोई एक ही जना काम करता है तो उसमें पूरा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे इतने सारे लोग कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मेरे मामा भी यहाँ पे काट रहे हैं सब्जियाँ, मेरे डैडी भी। सो मैंने तो पहले ही कर लिया था एंड फिर मैं वीडियो बनाना शूट करने लग गई, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे को यूँ था कि मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँ कुछ। और फिर यहाँ पे सारे कास्ट के लोग आ गए और यहाँ पे कुछ बच्चे फटाके भी फोड़ रहे थे, धम धम एंड धम, मतलब कोई बहुत ही मस्त फटाके फोड़ रहे थे यार, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, बट शायद वो सूतली बम था। तो मेरे को तो बड़े मज़े आए एंड आई होप आपने भी मेरा ये वीडियो एंजॉय करा हो। सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। सो ये अन्नकूट हमारा बन रहा है और अन्नकूट बस तैयार होने वाला है। सो कल आज एक ग्रहण था, जस्ट दिवाली के जस्ट बाद आज ग्रहण था। तो ग्रहण वाले दिन का हमें एक टाइम मिल गया और हम सारी सब्जी और सब कुछ नमक वमक सब ले आए और फिर हम लोगों ने अन्नकूट बनाना शुरू कर दिया। और रात में तो भाई अन्नकूट का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उसमें बिल्कुल मज़े आ रहे थे और गरम गरम हाथ भी तप रहे थे तो बहुत मज़े आ रहे थे वहाँ पे। और मेरे नानी के घर के पास थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है, तो जहाँ सर्दी ज़्यादा रहती है तो फिर आग में तो बैठोगे तो गर्मी ही लगेगी, तो इसलिए बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर हमने अन्नकूट बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे अन्नकूट में होती हैं हमारे बहुत सारी चीज़ें, लाइक मिक्स वेजिटेबल एंड होती है बाजरा, दली, बाजरे का दलिया और चावल एंड कढ़ी। सो मेरे को कढ़ी चावल और बाजरा बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप भी कमेंट करना आपको अन्नकूट में क्या चीज़ अच्छी लगती है। एंड दैट्स ऑल। सो गाइस अब मेरे डैडी आपको एक बीट देंगे, आपको कुछ डैडी गोवर्धन पूजा के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। दिवाली का 5 दिन का जो त्योहार है वो अब समाप्ति की ओर है।
आज ग्रहण पड़ने की वजह से कोई विशेष काम नहीं हो सका। आज जो पंच दिवसीय जो त्योहार था उसमें आज का दिन बिल्कुल खाली रहा। अब कल जो है वो गोवर्धन पूजा होगी, अन्नकूट महोत्सव होगा और भाई दूज होगा। एक साथ कल तीन त्योहार मनाए जाएंगे, इसकी तैयारी आपने आज रात से ही शुरू कर दी है। अभी हम अलवर में हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट महोत्सव की तैयारियाँ की जा रही हैं। तैयारियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। कॉलोनी में सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे। अभी से ही पूरी रात भर काम चलेगा, जब सुबह जाके अन्नकूट तैयार होगा और सुबह करीब 8 बजे प्रसादी का वितरण किया जाएगा। काफी अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर कॉलोनी वाले आपस में मिलकर ये अन्नकूट महोत्सव मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए हैं। अभी यहाँ पे भट्टियाँ शुरू हुई हैं, इसमें कड़ी बाजरा, पूड़ी, सब्जी, ये सब चीजें बनाई जाएंगी। कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, वो पुरुष हैं और जो खासकर छोटे बच्चे हैं, वो सभी लोग मिलकर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी भी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी त्योहार है उसको सब अपने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, आपसी सौहार्द के साथ और आपसी प्रेम भाईचारे के साथ मनाएं। सो गाइज दैट्स ऑल माई वीडियो एंड ये हमारा दिवाली का जो फेस्टिवल है गाइज, ये हमारे राम जी का फेस्टिवल होता है हिंदुओं में, तो हम बड़ा मानते हैं हमारे राम जी को। और दिवाली फेस्टिवल तो हम बनाते ही है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। सो दैट्स ऑल माई वीडियो गाइज एंड फॉर नाउ बाय बाय एंड वील मीट सून। एंड इफ यू लव माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वो जो लाल लाल बटन ना जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसको आप कर दीजिए ग्रे जल्दी से, प्लीज़ यार कर दो ग्रे। ओके, मेरे को पता है आपने कर दिया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड फॉर नाउ बाय बाय एंड वील मीट सून।